सब्सक्राइब कीजिए सर्व संजय दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय माता। एक और कहानी महाभारत की सानू याद आ गई, ये भी विश्वास नाल जुड़ी है, इत्थे दसनी चाहवांगे कि अर्जुन जदों अर्जुन का बेटा से अभिमन्यु और अभिमन्यु की जदों मौत हुई तो उहदी मौत का कारण बनिया जयद्रथ। जदों अभिमन्यु मुकाबला कर रहा सी दुश्मनों नाल तो जयद्रथ ने पिछों धोखे नाल जाके अभिमन्यु की पिठ विच तलवार मार के उन्हूं खत्म किया, वध किया। उहदा हुण जदों अर्जुन नूं पता लगा कि मेरे बेटे की मौत का कारण जयद्रथ है और इहदे कारण धोखे दे नाल मेरे अभिमन्यु नूं मारिया गया तो उसले सुनते सार ही अर्जुन नूं इन्ना गुस्सा आया कि अर्जुन ने उत्थे प्रतिज्ञा कर ली। ये भी गल प्रतिज्ञा दी है, पहला भीष्म ने की सी, इत्थे अर्जुन कर रहा है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल जा तां जयद्रथ मरेगा तो जा मैं अपने आप नूं चिता ते साड़ के खत्म कर लेना है, कल सूरज डुबण तो पहला जा तां मैं जयद्रथ नूं मारना है तो जा मैं अपने हत्थी लकड़ां नूं सजा के चिता तैयार करके उत्थे उत्थे बैठ के अपनी वली दे देनी है, अपने आप नूं खत्म कर देना है। हुण जदों अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कौरवां ने सुनी तो कौरव बड़े खुश होए, कहिंदे लै हुण तां मसला ही हल हो गया, क्योंकि हज़ारां दी सेना जयद्रथ नूं पिछे इदां दी जगह लुको देना कि कल अर्जुन इहनूं लभ ही ना पावे, अर्जुन इहदे तक पहुँच ही ना पावे। हुण सानूं अर्जुन नूं खत्म करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि इहनां प्रतिज्ञा कर ली है सारिआं मोहरे कि जे जयद्रथ कल शाम तक ना मरिया तो फिर मैं अपनी हत्थी चिता तैयार करके उत्ते बह के अपने आप नूं खत्म कर देना है, वो चिता सड़ के मर जाना है। कि हुण तां बस दुर्योधन ने कहा साडा इन्ना काम है किसे तरह जयद्रथ नूं लुको के रखिया जावे, सूरज डुबण तक इहनूं लुको लो, तो शाम नूं अर्जुन आपे खत्म और फिर असीं युद्ध जित गए। जदों अर्जुन ने प्रतिज्ञा की तो श्री कृष्ण ने जदों सुनी तो श्री कृष्ण कहिंदे अर्जुन पागल है तू, ये किहड़ी प्रतिज्ञा कर बैठा, वो अगे एड्डी बड़ी सेना है, कल्ले जयद्रथ नूं एड्डी बड़ी सेना जो एक दिन च तू कित्थों लभेगा, और तू प्रतिज्ञा कर ली है कि जे जयद्रथ नूं मैं खत्म ना किया तो शाम नूं चिता ते अपने आप नूं खत्म कर देना है, अपने हत्थी अग ला के अपने आप नूं खत्म कर देना है, तू पागल है। तो उसले देखो, क्योंकि कई बार इंसान प्रतिज्ञा ले लैंदा है पर बाद चों असीं कहांगे अर्जुन समझदार बड़ा सी, प्रतिज्ञा लैण तों बाद की कहिंदा श्री कृष्ण नूं, कहिंदा हे भगवान, हे श्री कृष्ण, तुसीं की सोचदे हो ये प्रतिज्ञा मैं अपनी सेना दे भरोसे लई है कि एड्डी मेरी सेना इहदे भरोसे प्रतिज्ञा लई है, नहीं, तुसीं की सोचदे हो ये प्रतिज्ञा मैं अपने भरावां दे भरोसे लई है कि मेरे भरा मेरे नाल है, नहीं, तुसीं की सोचदे हो ये प्रतिज्ञा अपने इस धनुष बाण दे सहारे लई है कि मैनूं माण है कि मैं बहुत बड़ा धनुषधारी हाँ, नहीं। श्री कृष्ण कहिंदे फिर तू किदा प्रतिज्ञा ली है, वह कहता यह प्रतिज्ञा मैं ली है सिर्फ तुहाडे भरोसे कि तुसीं मेरे नाल हो तो जो मैं प्रतिज्ञा की पूरी जरूर होएगी, क्योंकि मैनूं यकीन है हर मुश्किल का हल करन वाला मेरे नाल है, ये प्रतिज्ञा मैं तुहाडे भरोसे ली है, हुण प्रतिज्ञा मैं ले ली, ये हुण तुहाडा काम है देखना कि मंजिल तक मैनूं किदा पजाना है, मेरी प्रतिज्ञा नूं पूरा किदा करना है। जरा समझना, ठीक है काम बड़ा मुश्किल है पर मैनूं यकीन है तुहाडे ते जे तुसीं मेरे नाल हो तां मुश्किल तो मुश्किल काम भी आसान हो सकता है। हुण इत्थे तुहानूं कहांगे तुसीं भी सीख लो, समझ लो थोड़ा जिहा, क्योंकि दस्सिया कि कुछ शब्द हुंदे आ जिन्हां चों ज्ञान लै के असीं अपने जीवन नूं बदल सकदे हां, इत्थे तुसीं भी थोड़ा जिहा विचार करना। कई वार बंदा सोचता है आह काम बड़ा मुश्किल है किदां होएगा, मैं आह काम करना है पर इहदे काम च बड़ियां अड़चना है बड़ियां तकलीफां किदां होणगियां, ये तकलीफां दूर किदां मैनूं कामयाबी मिलेगी, तो इत्थे तुहानूं भी कहांगे कि तुसीं भी अपने मालिक ते परमात्मा प्रभु ते भरोसा रखो कि ऐ मालिक ये काम मैं शुरू किया है तो सिर्फ तेरे भरोसे मैनूं कामयाबी सफलता तू देनी है। इस भरोसे नाल जदों असीं कोई भी काम करदे हाँ, इस विश्वास नाल जदों कोई भी काम करदे हाँ तो फिर सानूं सफलता भी जरूर मिलती है, क्योंकि जदों इंसान नूं पता लग जावे कि सारी सृष्टि नूं चलाउण वाला परमात्मा मेरे नाल है तो फिर कहा गया है
कि जो वह मालिक वह परमात्मा साढ़े साथ है तो फिर साढ़े खिलाफ कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ तो वो बनाई हुई है, हर चीज़ तो वो पैदा की हुई है। ये गल याद रखो, जो अंदर विश्वास आता है, भरोसा आता है, तो अंदर बल भी आता है, शक्ति भी आती है, ताकत भी आती है, फिर नामुमकिन भी मुमकिन होता चला जाता है। यह विश्वास की ताकत है। हुण जो श्री कृष्ण ने यह गल सुनी कहिंदे अच्छा ये गल है, जे तैनू विश्वास है तो हुण रास्ता भी कोई ना कोई कढ़ना ही पैना है। फिर दसिया जाता है कि रास्ता कुदरत ने किदां कढ़िया। जदों अगला दिन होया, जंग चल रही है, युद्ध चल रहा है, चलदियां चलदियां शाम हो गई, तो जयद्रथ सामने नहीं आ रहा, जयद्रथ सामने नहीं आ रहा, क्योंकि लुकोया होया उसनूं। और सारे कौरव बड़े खुश है कि हुण थोड़ी देर च सूरज डुब जाना है और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चिता सजाएगा, उत्ते अपने आप नूं साड़ के सुआह करेगा। हुण जदों शाम होण वाली है तो की कुदरत ने खेड़ खेडी। कहानी है कि अचानक बादल छा गए, बादल छा गए, चारों तरफ काले बादल आ गए और देखदिया देखदिया पूरा आकाश बदलों नाल भर गया। तो नाल ही श्री कृष्ण ने कहता, लो भी शाम हो गई, चल अर्जुन चिता तैयार कर, क्योंकि सूर्य डुब गया। हुण जदों बादल हो जाते तो बंदे नूं पता नहीं लगता कि हुण शाम है या, क्योंकि सूर्य नेड़े ही सी डुबण दे जद नूं बादल आ गए। दो मिनट बाद श्री कृष्ण ने कहता, लो भी शाम हो गई, अर्जुन तू प्रतिज्ञा करके बहुत बड़ी गलती की है, चिता तैयार कर। हूँ देख, मैं तो लकड़ा भी तैयार कीतिया है, पहले लकड़ा तैयार कीतिया है। हुण अर्जुन कहिंदे है उतरिया रथ तो, दुर्योधन ने भी जंग रोकी कि हुण टाइम आ गया, वो समा आ गया कि असी अर्जुन सड़दा होया देखांगे। हुण चिता तैयार की अर्जुन ने अपने हथी, जदों चिता ते बह के अग लाण लगा तो जद नूं सारे कौरव भी आ गए, तो जयद्रथ भी पिछों हसदा होया अगे नूं आ गया, क्योंकि हुण तां टाइम आ गया, हुण तां जंग खत्म हो गई, अर्जुन मरन लगा है, हुण तां मैनूं डरन की लोड़ नहीं, लुकण की लोड़ नहीं, हुण मैं भी खड़ के ये नज़ारा देखा। तो दसिया जाता है कि जिदे जयद्रथ सामने आया, अर्जुन चिता ते बैठा है, जो चिता ते बैठा है तो श्री कृष्ण कहिंदे, अर्जुन वो तू कला चिता ते सड़ेगा, आ तेरा धनुष बाण इहनू भी नाल साड़, नहीं तो बाद चो इहनू देख देख के तेरे भाई रोणगे कि हाए अर्जुन का धनुष बाण इहनू भी नाल लैके सड़। हुण अर्जुन ने अपनी गोद च धनुष बाण भी रख लिया, कहिंदे इदां नहीं ए अर्जुन, इदां नहीं, एक वीर योद्धा की तरह जान देनी है, ये धनुष नूं कमान ते चढ़ा, धनुष नूं कमान ते चढ़ा और पूरा कमान नूं खिच के रख, फिर अग लावांगे ता कि तेरी जदों जान जावे तो बहादुर ही तरह जावे, कि एक धनुषधारी सी और मरन लग्या उहदे कमान ते धनुष चढ़िया होया सी, यानी उहदे धनुष ते बाण चढ़िया होया सी। हुण अर्जुन नूं समझ नहीं आ रही कृष्ण की करवा रहे हैं, पर अर्जुन ने उदां ही कीता जिदां उन्होंने कहा, कहिंदा लो जी हुण हो गई तैयारी, अग लाओ। तो उस वेले श्री कृष्ण कहिंदे, लै अर्जुन मैं अग लाण लगा, तैयार हो जा। इन्नी गल कहण दी देर सी, सामने कौरव खड़े हस रहे है, जयद्रथ भी खड़ा हस रहा है, तो जद नूं श्री कृष्ण ने इशारा किया, हवा चली, बदल उड़ गए, देखिया सूरज हाले भी थोड़ा जा है, कहिंदे मार, तीर तेरे हाथ च है, हुण समा ना गुआ, मार। अर्जुन ने निशाना मारिया, जयद्रथ उत्थे खत्म। ये कुदरत है, क्योंकि कई बार देखिया सूरज नूं ढक लैंदे बदल, फिर हवा आती है बदलों उड़ा के लै जाती, पता हाले तो सूरज थोड़ा जिहा रहिंदा डुबण नूं, हाले शाम तो हो ही नहीं, बस ये उही खेल सी। हुण इहनूं कहांगे कुदरत, कुदरत यानी परमात्मा, ओ प्रभु। ताही तां कहा जांदा, दिल जिस से जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो। जे बंदा पुछे रब कित्थे है, तां जिथे असीं रह रहे हैं परमात्मा ही तां है। भरोसा कर अपने रब ते, भरोसा कर अपने मालिक ते, हर मुश्किल चों निकलदा रस्ता वो तैनूं देगा। तेरा समझना, हुण अर्जुन नूं समझ आई कि जे मेरे हाथ च धनुष बाण ना हुंदा, मैं तैयार करके ना बैठा हुंदा, धनुष लैण नूं चक्कण नूं जांदा, तां जयद्रथ दौड़ के अपनी जान बचा सकदा सी, पर उन्होंने पहली तैयारी करती कि धनुष लै के मर, क्योंकि पता हुण भरोसा कीता है कुदरत ते रब ते, तां परमात्मा ने उहदा रिजल्ट तां देना ही है। इस तरह कहिंदे जयद्रथ दा वध होया और अर्जुन दी
जित होई क्योंकि अर्जुन ने भरोसा रखिया अपने परमात्मा पे। तुहाडे जीवन च किन्नियां बड़ियां मुश्किलां है, जरा सोचो। अगर असी एक पासे परमात्मा की रहमत नूं रखिए, दूजे पासे अपने दुख नूं रखिए, तो फिर पता लगेगा लै मैं तां एवीं डरी जांदा हाँ, वो मेरा मालिक एडा वड्डा, उहदे सामने दुख तां बड़ी छोटी जिही चीज़ है। जरा सोचो, पर हुंदा की है, असी डर क्यों जांदे हाँ? क्योंकि असी दुखां नूं बहुत बड़ा समझ लैंदे हाँ कि मेरा दुख एडा वड्डा, इहना मेरी जान लै लैणी है। हुण असी कहिंदे दुख बहुत बड़ा, इहना मेरी जान लै लैणी है, तां रब दीआं रहमतां नूं असी छोटा जिहा समझ लैंदे हाँ। नहीं, जे बड़ा बनाना है तो उहदी रहमत नूं बड़ा बनाओ, क्योंकि गुरुआं ने भी वचन कीता है कि बड़े मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई ना जाने तेरा केता के बड़चीरा। वह कहिंदे कोई जान ही नहीं सकता वह परमात्मा, वह प्रभु, वह निरंकार किड्डा बड़ा है। हुण जरा सोचो, एक पासे बंदा अपने दुख रखे कि मेरा जीवन ये तकलीफा ये दुख। हुण अगर देखिया जाए बंदे की गल छड्डो, ये पूरी धरती लै लो, तो यह पूरी धरती परमात्मा सामने बड़ी छोटी जी है। क्योंकि जे तुसी देखो ना, ये धरती नूं रखो, इत्थे सूरज नूं रखो, तो सूरज सामने धरती इन्नी छोटी है कि विज्ञान कहिंदा है कि 109 गुणा धरती तो बड़ा सूरज है। और किन्ने लख पृथ्वियां अगर कट्ठियां हो जाए तो फिर जाके एक सूरज का मुकाबला कर सकदियां, यानी सूरज के बराबर हो सकदियां। हुण एड्डी वड्डी धरती ते बंदा अपने आप नूं देखे कि एड्डी वड्डी धरती ते मैं निक्का जिहा आं, तां उह परमात्मा जिहड़ा पूरे ब्रह्मांड नूं संभाल रहा है, वह मैं निक्का जिहा फिकर कर रहा कि मेरा दुख बहुत बड़ा, उहदे सामने तां मेरा दुख की, यह पूरे संसार का दुख भी बहुत छोटा है। इन्हें यकीन करना सीखा, भरोसा करना सीखा मैं अपने रब ते, अपने मालिक ते, कि मेरा मालिक मेरे नाल है, मैनू डरन की जरूरत नहीं है, चिंता करन की जरूरत नहीं है।